दोस्तों नमस्कार, प्रणाम, अभिवादन स्वीकार करें। शुरू करते हैं आज की बड़ी खबरें। मध्य प्रदेश के सभी 52 जिलों की खबरें। बिजली सब्सिडी पर सरकार का बड़ा फैसला है, किसानों तथा आमजन को मिलेगी राहत। वहीं कृषि मंत्री ने बड़ा फैसला लिया है, फसल मुआवजा के लिए सर्वे शुरू हो गए हैं, इसके लिए अधिकारियों को निर्देश दे दिए गए हैं। वहीं अतिथि शिक्षकों का नियमितीकरण के लिए अनोखा प्रदर्शन है। तो चलिए देखते हैं सारी खबरें विस्तार से। यदि आपको खबरें पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और इसी प्रकार की खबरों के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। खबरें पूरी पाने के लिए वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। मध्य प्रदेश सरकार का किसानों के लिए बड़ा फैसला है, सस्ती बिजली के लिए जारी किए हैं 15,000 करोड़ रुपया। किसानों को सस्ती बिजली देने के लिए सरकार 15,000 करोड़ रुपये से ज़्यादा की सब्सिडी देगी, जिससे किसानों को लाभ मिलेगा। मध्य प्रदेश में सीएम शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक में बड़ा फैसला लिया गया है। मुख्यमंत्री ने बताया कि अलग अलग श्रेणी के किसानों के लिए सस्ती बिजली देने के लिए हम 15,000 करोड़ रुपये से ज़्यादा की सब्सिडी देंगे। मध्य प्रदेश में कोई कष्ट न सहे, इसके लिए सरकार पूरी तरह से काम कर रही है। घरेलू उपभोक्ताओं को भी लगभग 4,900 करोड़ रुपये की सब्सिडी देती है सरकार, तब कहीं जाकर के आमजन को भी सस्ती बिजली मिल पाती है। कुल मिलाकर यह सब्सिडी 20,700 करोड़ रुपये से ज़्यादा की हो जाती है। कैबिनेट ने यह फैसला लिया है ताकि किसानों को भी सस्ती बिजली उपलब्ध हो और घरेलू उपभोक्ताओं को भी सस्ती बिजली उपलब्ध हो, तो अच्छी बात है, गुड न्यूज है। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि मेरी इतनी प्रार्थना है कि संकट के इस दौर में अनावश्यक बिजली ना जलाएं, क्योंकि कितनी भारी धनराशि जाती है, ये अपना ही पैसा है, इसलिए हम बिजली बचाएँ ताकि आपका पैसा बच सके। असमय वर्षा के कारण प्रदेश के कुछ भागों में हमारे किसान भाई बहन की फसलों को नुकसान पहुंचा है, उसके लिए सर्वे का निर्देश दे दिया गया है। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि मैं सभी किसान भाइयों तथा बहनों को आश्वस्त करना चाहता हूं कि वो बिल्कुल चिंता न करें। जहां फसलों को नुकसान हुआ है वहाँ मैंने सर्वे के निर्देश दे दिए हैं, सर्वे करके क्षति का आकलन किया जाएगा और किसानों को राहत पहुँचाई जाएगी। किसान भाई बहन चिंता न करें, मैं साथ हूं, सरकार साथ है। तो इस प्रकार से सीएम शिवराज सिंह चौहान ने किसानों को आश्वस्त किया है। मध्य प्रदेश कांग्रेस ने सीएम शिवराज सिंह चौहान पर भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि सीएम शिवराज सिंह चौहान ने अपने कैबिनेट में जो फैसले लिए हैं वह उपचुनाव के दौरान गलत हैं, ऐसे फैसले नहीं लेने चाहिए। सीएम शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में मंगलवार को कैबिनेट द्वारा किसानों को बिजली सब्सिडी और आमजन को आपका राशन आपके द्वार योजना संबंधित निर्णय को लेकर के प्रदेश कांग्रेस ने मतदाताओं को प्रभावित करने वाला कदम करार दिया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में आचार संहिता लग गई है और इस प्रकार से यह योजनाएं आचार संहिता को भंग करती है। कांग्रेस पार्टी ने मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय में शिकायत करके ऐसी घोषणाओं पर रोक लगाने और निर्वाचन नियमों के तहत कार्रवाई करने की मांग की है। कांग्रेस ने कहा कि प्रदेश में उपचुनाव है, कैबिनेट के निर्णय पूरे प्रदेश के लिए होते हैं, इसलिए आचार संहिता के उल्लंघन के तहत प्रकरण दर्ज कर कार्रवाई की जाए। साथ ही सरकार को निर्देशित किया जाए कि मतदाताओं को प्रभावित करने वाली घोषणाएं न की जाए, अन्यथा आचार संहिता का उल्लंघन होगा। वहीं सीएम शिवराज सिंह चौहान ने उपचुनाव से पहले बड़ा सियासी दाव खेला है। सरकार ने प्रदेश के करीब 23 लाख से ज़्यादा आदिवासी परिवारों को बड़ी सौगात दी है। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने अपने कैबिनेट में प्रदेश के 90 आदिवासी ब्लॉकों में राशन आपके द्वार योजना को मंजूरी दे दी है, जिससे आदिवासियों को बहुत राहत मिलेगी। सरकार के प्रवक्ता नरोत्तम मिश्रा ने बताया कि उचित मूल्य की राशन दुकानों से खाद्यान्न गांव-गांव तक पहुँचाने के लिए आदिवासियों को लोन दिलाकर वाहन खरीदवाए जाएंगे। सरकार ब्याज अनुदान के साथ प्रोत्साहन राशि भी देगी, इसके अलावा अन्य खर्च के लिए भी राशि अलग से दी जाएगी। तो इस प्रकार से सरकार ने आदिवासियों को लुभाने के लिए पूरी पहल की है, पूरी योजना के तहत काम किया है। उन्होंने कहा कि योजना का लाभ प्रदेश के 23,80,000 परिवारों को मिलेगा। योजना के तहत 7,500 गाँवों में रहने वाले सार्वजनिक वितरण प्रणाली के हितग्राहियों को खाद्यान्न उपलब्ध कराने का काम करीब 4,500 उचित मूल्य की दुकानों से किया जाएगा। योजना के तहत 15-15 गाँवों के क्लस्टर बनाए जाएंगे। दूरी के हिसाब से वाहनों को राशन दुकानें आवंटित की जाएंगी। 500 से ज़्यादा युवाओं को योजनाओं में लाभ दिया जाएगा, इससे आर्थिक गतिविधियां बढ़ेंगी। राशन वितरण के लिए सेल्समैन भी वाहन में साथ बैठकर आमजन के घर राशन देने जाएंगे, तो अच्छी बात है, गुड न्यूज है।
वही मध्य प्रदेश में अतिथि शिक्षकों का बड़ा अनोखा प्रदर्शन है। जबलपुर में अतिथि शिक्षकों ने नर्मदा में उतरकर किया है जल सत्याग्रह। मध्य प्रदेश में लंबे समय से नियमितीकरण की मांग कर रहे अतिथि शिक्षकों ने आज जबलपुर में अलग ढंग से विरोध जताया। अतिथि शिक्षक आज जबलपुर में नर्मदा नदी के ग्वारी घाट पहुँचे, जहाँ उन्होंने नदी में उतरकर जल सत्याग्रह किया। नदी में उतरे अतिथि शिक्षकों ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की और उन्हें नियमित करने की मांग के साथ जल सत्याग्रह किया। प्रदर्शन के दौरान अतिथि शिक्षकों ने अपने उग्र आंदोलन की रणनीति का भी ऐलान किया। अतिथि शिक्षक संघ ने चेतावनी दी है सरकार को कि अगर सरकार नई भर्तियों की बजाय पुराने अतिथि शिक्षकों को एक हफ्ते के भीतर नियमित नहीं करती तो प्रदेश भर के अतिथि शिक्षक बड़ा आंदोलन करेंगे। प्रदेश के सभी 52 जिलों के अतिथि शिक्षक अगले हफ्ते राजधानी भोपाल पहुंचकर सीएम हाउस का घेराव करेंगे, जिसकी चेतावनी आज जबलपुर में अतिथि शिक्षक संघ ने दे दी है। प्रदेश के शासकीय स्कूलों में 13 सालों से काम कर रहे अतिथि शिक्षकों की मांग है कि विभागीय परीक्षाएं आयोजित कर उन्हें उनकी योग्यता के अनुसार गुरुजी की तरह नियमित किया जाएगा। तो बहुत अच्छी बात है, बहुत लंबी मांग है, बहुत लंबे समय से यह मांग चल रही है। सरकार को इस पर संज्ञान लेना चाहिए और अतिथि शिक्षकों को नियमित करना चाहिए। वहीं सीएम शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेशवासियों के हित में बड़ा ऐलान किया है, तो चलिए सुनते हैं सीएम शिवराज सिंह चौहान को लाइव। भाई और बहनों के लिए सस्ती बिजली देने के लिए हम 15,000 करोड़ से ज्यादा की सब्सिडी देंगे सरकार की तरफ से। मेरे प्रिय किसान भाइयों, आपको सस्ती बिजली इसलिए पहुंचती है कि सरकार अपने खजाने से पैसा देती है बिजली विभाग को। बढ़ते हुए कोयले के रेट, पैदा हुई अन्य समस्याओं के बावजूद भी हमने तय किया कि बिजली की आपूर्ति बाधित नहीं होना चाहिए। इसके लिए बिजली कंपनी को सहायता की आवश्यकता थी। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कोयले के रेट बहुत बढ़े हैं, उपलब्धता की भी दिक्कत दुनिया भर में है, बिजली संकट आज दुनिया भर में। विकसित देश भी बिजली संकट से जूझ रहे हैं, लेकिन हमने यहाँ प्रयास किया है। प्रधानमंत्री जी का पूरा आशीर्वाद मिलता है कि मध्य प्रदेश में कोई कष्ट ना हो। घरेलू उपभोक्ताओं को भी लगभग 4,900 करोड़ के आसपास की सब्सिडी हम देते हैं, तब कहीं सस्ती बिजली मिलती है। कुल मिला के 20,700 करोड़ रुपए से ज्यादा की सब्सिडी देने का आज कैबिनेट ने फैसला किया है, ताकि किसानों को भी सस्ती बिजली उपलब्ध हो और घरेलू उपभोक्ताओं को भी सस्ती बिजली उपलब्ध हो। मेरी इतनी प्रार्थना जरूर है कि संकट के इस दौर में अनावश्यक बिजली ना जले, क्योंकि कितनी भारी धनराशि जाती है ये अपनी पैसा है। वहीं कृषि मंत्री ने किसानों के लिए बड़ा फैसला लिया है, तो चलिए सुनते हैं कृषि मंत्री को लाइव। भारतीय जनता पार्टी की सरकार गांव, गरीब और किसानों की सरकार है। किसानों का संकट हमारा संकट है और इसलिए हमने निर्देश दिए हैं सभी कलेक्टर्स को कि बेमौसम ये बारिश हुई है, इस बारिश से किसान की खड़ी फसल खराब हुई है, कटी हुई फसल खराब हुई है, निकली हुई फसल खलियान में खराब हुई है। इसका वीडियोग्राफी करके सर्वे किया जाए और किसान की क्षति का आकलन करके एक कापी पंचनामा बनाकर एक कापी किसान को दे और एक कापी कलेक्टर को दे, एक बीमा कंपनी को भेजे, ताकि किसान की क्षति की पूर्ति बीमा कंपनी से कराई जा सके। ये निर्देश मैंने सभी कलेक्टर्स को जारी कर दिए। तो इस प्रकार से जानकारियां थी। यदि आपको जानकारियां पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और यदि आपने वीडियो पूरा देखा है तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें ताकि वे भी जानकारियों से अपडेट रहें और जानकारियों का लाभ ले सकें। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं सर अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।